दोस्तों, आज आप लोगों को त्रिकोणमिति के इस खतरनाक फार्मूले को एक बहुत ही सरल तरीके से याद कराने वाले हैं। दोस्तों, इसमें आपको ध्यान क्या देना है, जो लिखा है 2 cos x sin y, फिर नीचे वाले में लिखा है 2 sin x cos y, फिर नीचे वाले में लिखा है 2 sin x sin y, फिर नीचे वाले में लिखा है 2 cos x cos y। आपको ध्यान यह देना है कहाँ कहाँ समान प्रयोग हो रहे हैं और कहाँ कहाँ अलग अलग हैं। जैसे कि ऊपर वाले में अलग अलग है cos x sin y, और नीचे वाले में देखेंगे तो 2 cos x और cos y, यानी कि समान है। तो जहाँ समान रहेगा वहाँ पर सूत्र में cos का प्रयोग किया जाएगा, और जहाँ असमान रहेगा वहाँ पर सूत्र में sin का प्रयोग किया जाएगा। जैसे 2 cos x cos y इक्वल, उसमें क्या प्रयोग किया गया है, cos x + y + cos x - y। तो हमने अभी तक याद किया कि जहाँ पर समान रहेगा वहाँ cos लगाया जाएगा, और x + y लिखा है ना, cos x + y। उसके बाद से दूसरे वाले में लिखा cos x - y, तो ये कैसे याद किया जाएगा, तो ये सिंपल है, सभी में x + y पहले आएगा, x - y बाद में आएगा। रही बात अब बीच वाले चिन्ह की, जो कि लिखा है प्लस, तो ध्यान दीजिए, अगर ये जो 2 cos x cos y लिखा है, इसमें cos y अगर cos बाद में आ रहा है तो प्लस चिन्ह लिया जाएगा, और cos पहले आ रहा है तो माइनस चिन्ह लिया जाएगा, या ऐसे कह सकते हैं cos बाद में आए तो प्लस और sin बाद में आए तो माइनस। तो देखिए अब अलग वाले में देखते हैं, जैसे कि 2 cos x sin y, तो इसमें अलग अलग है तो sin का प्रयोग किया जाएगा, अगर एक समान रहता तो cos का प्रयोग किया जाएगा। रही बात x + y, उसके बाद से x - y, सब में सेम है, लेकिन यहाँ पर बीच वाला चिन्ह माइनस है, क्यों, क्योंकि sin y बाद में आया है, अगर cos y बाद में आता तो यहाँ पर प्लस हो जाता। ठीक है, अगला है कि 2 sin x sin y में देखेंगे तो इसके सभी के विपरीत हो जाता है, क्योंकि ये अलग तरह का ही है, इसमें यही केवल अलग है, अन्यथा सब समान है।